तो हेलो एंड वेलकम मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब रही और ड्रिंक रही। तो आज के इस वीडियो में हम बोल्ट की प्रोपोर्ड एक्स की बात करेंगे। एंड प्रोपोर्ड एक्स सिमिलर है प्रोपोर्ड्स के साथ, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इनको चार्ज करेंगे, चार्जिंग टाइम क्या है एंड किस टाइप का चार्जर आपको यूज़ करना चाहिए आपके ईयरबड्स TWS को चार्ज करने के लिए। एंड अदर देन दैट, बैटरी बैकअप आपको क्या मिलता है, बोल्ट क्या प्रोमिस करता है एंड कितना आप जो बोल्ट है वो अपने वर्ड्स पे खड़ा रहता है, सब कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ चार्ज करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेम डेटा केबल जो हमें मिली थी प्रोपोर्ट एक्स के साथ। तो चलिए बिना किसी डिले के ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने ईयरबड्स TWS फर्स्ट टाइम परचेज किए एंड काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं उनके माइंड में, कैसे चार्ज करें, चार्जिंग टाइम क्या रहेगा, एक ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं नहीं, वगैरह वगैरह चीज़ें सब कुछ इस वीडियो में होंगी। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। तो वैसे सब कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं, ये आपके आगे है प्रोपोर्ट एक्स, ये इनका बॉक्स सामने है, इनको हम ओपन करेंगे। जो ये लाइट्स हैं ये आपकी तब जलती हैं जब आपके ईयरबड्स अंदर अगर चार्ज नहीं है तो। तो हम क्या करते हैं, एक पावर बैंक है 18 वोट का, ये है MI का पावर बैंक, उसको यूज़ करते हुए हम इसको चार्ज करेंगे। तो टाइप सी चार्जिंग के साथ ही आते हैं, बट इसको कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ओके, तो ये चार्जिंग में लग गए। तो इस टाइप से आप चार्जिंग इंडिकेटर देख सकते हैं कि कितनी परसेंट बैटरी यहाँ पे आपकी बची हुई है। तो ईच जो इंडिकेटर का मतलब है 25%, 25, 50, 75, 100। अगर ये बंद कर दे, ब्लिंक करना, देन आपकी ईयरबड्स चार्ज हो जाए। देन ये तो हो गया आपका केस कैसे चार्ज होता है एंड कैसे उसकी जो बैटरी है वो आप देख पाएंगे। एंड अगर आप ईयरबड्स को रखते हैं एंड आपको इस टाइप की लाइट यहाँ पे जलती हुई दिख रही है, तो जब तक लाइट जलती रहेगी मतलब आपके ईयरबड्स चार्जिंग ले रहे हैं एंड जैसे ये बंद कर देगी आपके ईयरबड्स फुली चार्ज हो जाएंगे। तो ये तो था कैसे आप इनको चार्ज करेंगे, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो गाइज, रही बात चार्जिंग में टाइम कितना लगता है, तो केस को चार्ज करने में अगर आप एक 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ करेंगे तो रिकमेंडेड है एक 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ कीजिए। तो टाइम लगेगा 1 घंटा केस को चार्ज करने में एंड ईयरबड्स को चार्ज करने में आपके लगेंगे 1.5 घंटा। देन मूव करते हैं अनदर फैक्ट की ओर कि क्या हम ईयरबड्स को निकाल के केस को अकेले चार्ज कर सकते हैं। तो हाँ गाइज, डेफिनेटली हम अपने ईयरबड्स के केस को ईयरबड्स निकालने के बाद, चाहे आप उनको यूज़ करें, इसको अकेले चार्ज कर सकते हैं, चाहे आप सिर्फ एक ईयरपीस यहाँ पे रख के उसको चार्ज कर सकते हैं, दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। तो मोनो पोर्ट ये सपोर्ट करता है, लाइक आप सिंगल ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। देन किस टाइप की डेटा केबल यूज़ करें, तो इन टर्म्स ऑफ डेटा केबल आप कोई भी डेटा केबल यूज़ कीजिए, बट टाइप सी ही होनी चाहिए, तो वो प्रीटी मच आपके ईयरबड्स को चार्ज करने में सपोर्ट करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अदर देन दैट, चार्जर कितने वोट का यूज़ करें, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कितने वोट तक का आप चार्जर यूज़ कर सकते हैं। तो बोल्ट की अगर माने, लाइक ब्रांड की अगर माने, तो आपको एक सिर्फ 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ करना चाहिए इनको चार्ज करने के लिए, बट काफ़ी चीज़ें होती हैं एंड मे बी कुछ लोग के पास 5 वोल्ट का चार्जर नहीं होता। तो ट्राई कीजिए जितने मिनिमम वोल्ट का हो, 5 से ऊपर बट कम हो, तो वो अगर आप यूज़ करेंगे देन बेटर रहेगा। अगर आप एक 33 वोल्ट का चार्जर भी यूज़ करते हैं देन लॉन्ग टर्म में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट अगर हाँ आप कुछ फ़ोन हैं जो अब 50 वोल्ट चार्जर सपोर्ट करते हैं, तो अगर उस टाइप का चार्जर आप यूज़ करेंगे देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होने वाली है एंड आपके ईयरबड मे बी कुछ टाइम बाद फॉल्टी हो जाए, बैटरी बैकअप वहाँ पे डिक्रीज हो जाए। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफर करते हैं बोल्ट आपको 8 आवर्स का चार्जिंग बैटरी बैकअप सिंगल टाइम में। तो 8 आवर्स साउंड काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है 8 आवर्स का TWS के लिए, बट हाँ 8 आवर्स नहीं बोलूँगा मैं, नॉर्मल यूज़ में 5.5 घंटा बैटरी बैकअप देने में केपेबल हैं। एंड अगेन जो बैटरी बैकअप है आपका वो डिपेंड करेगा आप किस टाइप से इनको यूज़ कर रहे हैं, आप फॉर कॉलिंग, फॉर गेमिंग वगैरह वगैरह चीज़ें, काफ़ी यहाँ पे इफेक्ट एंड इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करती है, तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे है। तो मेरे लिए ये अराउंड 5.5 घंटे से 6 घंटे बैटरी बैकअप देने में केपेबल है। एंड अगर आप 100% वॉल्यूम यूज़ करेंगे दैन अगेन आपकी बैटरी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज मेरी ओर से। आई होप जो न्यू कमर हैं TWS मार्केट में, तो उनकी क्वेरीज वगैरह सोल्व हो गई होंगी। एंड अगर आपकी क्वेरी सोल्व होगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय गाइज।